अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रियाद सीज़न जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी नई जो जगहें यहाँ पर खुल जाती हैं रियाद में, तो आज हम एक ऐसी ही जगह पर आ गए हैं जो है वंडर गार्डन। ठीक है, आज हम आए हैं जहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, 50 रियाल पर हेड है, मतलब एक बंदे का टिकट से 50 रियाल का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आगे हो जाऊँ गाड़ी मुझे लग जाएगी वरना। और ये हम वंडर गार्डन आ गए, यहाँ टिकट चेक हो रही है स्कैनर पर। फाइनली हम एंट्री मिल गई है। ठीक है, अब आगे चेकिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या निकाल देंगे चेकिंग में, पता नहीं है। काफ़ी सारा सामान को यहाँ पे खाने पीने का कुछ भी लाना अलाउड नहीं है, बट ठीक है, मैंने शाज़ेंजल तो मैं रखती हूँ, पानी है, बिस्किट है, इसका दूध है, तो विल सी। फाइनली अंदर आ चुके हैं और इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, आई कांट टेल यू। पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और वॉइस ओवर्स कर लूँगी, ठीक है, बट मैंने कहा वॉइस ओवर में वो एक्सप्रेशन डिलीवर ही नहीं होंगे कि ये कितना खूबसूरत है। मेरे पीछे देखेंगे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें पीछे राइड यहाँ से नज़र आ रही है, ये एक लेडी है, फाउंटेन है। नहीं यार इतना प्यारा तो है, नहीं नहीं अच्छा तो बनाया है बहुत ज़्यादा यार, बहुत मस्त लग रहा है। हुक अटक यार ये इतना खूबसूरत लग रहा है, आई कांट टेल यू। वो कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो हम वहाँ पर जैसे ही पहुँचे थोड़ी ही देर में कुछ म्यूज़िक सुनाई देने लगा और फिर हमने देखा तो ये कुछ कार्निवल टाइप जो ट्रेन थी वो इस तरीके की गुजर रही थी। एक्चुअली वो पार्क बहुत डिफरेंट थीम पर था, जिसमें ट्री, प्लांटेशन, एनिमल और सारी चीज़ें थी। और तो फिर हमने देखा कि ये गुजर रहा है तो म्यूज़िक था, तो उसमें मुझे ये नहीं था कहीं कॉपी राइट ना आ जाए, मुझे पहले भी कॉपी राइट आ चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। Thank you.
अभी हम घूम रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन सी राइड में बैठे, क्योंकि सारी राइड बहुत डिफिकल्ट लग रही है और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मैं तो बैठती हूँ बट ना मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ही खौफ सा आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। तो लेट्स सी क्या होता है, बैठते भी या नहीं है। झूला था जिसे देख कर मेरे अंदर का बच्चा फॉर श्योर जाग गया था, तो मैंने उज़ैर से कहा कि मैं बैठती हूँ और तुम मेरी वीडियो बना दो। हमने दो एरियाज तो डिस्कवर कर ली हैं, ठीक है, और अब थर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपके बताना था, यहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, ठीक है ना। सारे टिकट्स भी ऑनलाइन होते हैं ताकि पता चले कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या कैपेसिटी है पार्क की, ऐसा ना हो कि ओवरक्राउड हो जाए और प्रॉब्लम हो। प्लस इतनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हर थोड़े फासले पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, यहाँ पर सुलेमान अल हबीब, उनका छोटा छोटा सा सेटअप है, ठीक है। उसमें अगर किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, तो पूरा फर्स्ट एड सेटअप है और डॉक्टर्स हैं वो भी उन्होंने बिठाए हुए हैं, ताकि मतलब यहाँ पर ऐसा है कि इंसान को इंसान समझा जाता है, लोगों का ख्याल किया जाता है। ये लो ये ना ट्री एडवेंचर, फ्लटर बग होता है ना, बग फ्लटर बग भी बोलते हैं। मैं तो मीटर सुना है यहाँ पे इतना प्यारा दरख्त है बोलने वाला, उसकी आईज ब्लिंक हो रही है जो हम पहले कार्टून में आता था। सो हैप्पी आई कांट टेल यू, बिकॉज मैं बहुत निरंतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है ये लेती। ये देखिए यार कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखें कार्निवोरस प्लांट है मेरे पीछे, कितना मस्त लग रहा है। हाँ। तो मैं बिठा दूँ, मेरा दिल चाह रहा है इसमें। दा फार्म ये वही है, देखो एयर मैक्स भी भरने वाला है, जाओ चले जाओ एयर मैक्स, इसी पे हम गए थे, ये इसमें गए थे। क्या हर चीज बहुत ही खूबसूरत बनाई है उन्होंने। ये भी वो है, कोई स्टैचू है, उस तरफ उसका मुंह है ना। सो नाउ वी आर फाइनली साइनिंग ऑफ और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एन एग्जिट। ओके, अर्शद हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हर बात में। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, और ये कि आज तो बड़ा ही मज़ा आया, मुझे बहुत पसंद आई ये जगह, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप में से कोई भी रियाज आए तो यहाँ ज़रूर आए, पैसों का बिल्कुल ना सोचें, आ जाएँ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।